है राजा की शान, बाइक पर हेलमेट सुरक्षा की पहचान, खुद की और दूसरों की जान का जिम्मेवार कौन, अगर इस्तेमाल किया गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन, नो एंट्री में गाड़ी ले जाना है क्राइम, नहीं तो कहलाओगे वंस अपॉन अ टाइम। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं खुशहाल ठाकुर और आप देख रहे हैं इन फोकस। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरा रोड के शांति पार्क इलाके पे, जहां पर ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा एक सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर काफ़ी सारे मोटरबाइक्स रखे गए हैं, जहाँ पर जिसमें बाइकर्स इस रैली के द्वारा ये लोगों को ये जागरूक करेंगे कि किस तरह से आप सड़क पर गाड़ियाँ चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित चला सकते हैं गाड़ियाँ। आइए हम दिखाते हैं आपको इस रैली की कुछ झलकियाँ और बात करते हैं ब्रह्म कुमारी के अधिकारियों से और अतिथियों से। आज रोड सेफ्टी रैली निकाली गई है, वो आज एक सिर्फ मीरा रोड में नहीं है लेकिन ऑल इंडिया में 175 रैली भिन्न भिन्न राज्यों में निकलने वाली है। और इसका उद्देश्य ये है कि रोड एक्सीडेंट भारत में बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं और उसको कैसे कम किया जाए, उनके लिए पब्लिक को अवेयर किया जाए कि हम रोड पर जो व्हीकल चलाते हैं तो उनके नियमों का पालन करते हैं, हमारा व्हीकल है वो सही है, रोड ठीक है, और रोड पर जो चलाने वाले व्हीकल हैं तो चलाने वाले की मानसिक स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत ही निर्भर करता है। कई बार हम गुस्से में होते हैं, चिड़चिड़ापन है, या हम टेंशन में है, किसी से हमारी अनबन हो गई है, तो मानसिक स्थिति हमारी ठीक नहीं होती है और उसका प्रभाव हम जो व्हीकल चलाते हैं तो स्टीयरिंग पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और उसके कारण भी व्हीकल इस तरह से हम चलाएंगे इस मानसिक स्थिति में तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो। कई बार हम कंपटीशन के रूप में व्हीकल को चलाते हैं, कई बार जो रोड की जो स्पीड होनी चाहिए वहाँ लिखा रहता है कि 50-80 की स्पीड में चलाओ, लेकिन और ही आनंद लेने के लिए हम और अधिक स्पीड से उस व्हीकल को चलाते हैं, ओवरटेक करने की जो भावना मन में रहती है, तो इन सारी बातों में अवेयरनेस न सिर्फ व्हीकल चलाने वाले लेकिन रोड पर चलने वाली पब्लिक, वो अपनी शरीर रूपी गाड़ी को तो चलाते हैं, उनको भी सही ढंग से जिब्रा क्रॉसिंग हो, सिग्नल हो, तब हम रोड क्रॉस करें, ये भी नियम के पालन नहीं होते हैं और उसी के कारण एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं। सीट बेल्ट जरूर लगाना, नहीं करेगा फॉलो जो ट्रैफिक के रूल, मिलने आऊंगा मैं लेकर। तो जनता को भी व्हीकल चलाने वाले, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, जो भी व्हीकल चलाते हैं उनके अंदर इस नियमों का पालन और मन को स्टेबल और शांत रख कर के इस व्हीकल को चलाएं। हम ये चाहते तो हैं लेकिन मैंने देखा है सिर्फ कहने से नहीं होता, उसी के लिए आध्यात्मिकता जरूरी है जीवन में। जो ब्रह्मा कुमारी ये कार्य करना चाहती हैं कि जो व्हीकल चलाने वाले हैं वो मेडिटेशन करें, वैल्यू को अपने जीवन में लेके आए। इस विद्यालय में बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है कि मैं एक रो में हूँ और कोई बुजुर्ग आता है, पहले आप उनको हम रिस्पेक्ट दें, रिगार्ड दें और आगे जाने दें। जब ये भावना हमारे मन में आएगी, ये वैल्यू हमारे जीवन में होगी, मेडिटेशन से मन हमारा शांत होगा, स्टेबल होगा, तो हम व्हीकल भी उसी प्रकार से चलाएंगे। इसलिए ये विद्यालय मन को शांत स्टेबल बनाना चाहती है जिनसे ये एक्सीडेंट कम हो, ये इस रैली का उद्देश्य है।
ये प्रेरणा हमें परमपिता परमात्मा और हमारी आदरणीय दिव्या बहन से हमें मिली कि मीरा रोड में भी बहुत जागरूकता की आवश्यकता है, अवेयरनेस की, जिससे एक्सीडेंट कम हो। क्योंकि बाइक जो चलाते हैं ना, वो बहुत फास्ट रीति से, आज यंग जनरेशन जो है ना, वो बहुत ही फास्ट में चलाते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाना। और ये मोबाइल का भी एक व्यसन ही है कि मोबाइल से बात करते करते गाड़ी चलाना। हम देखते हैं कि एक मिनट इनको शांति नहीं है कि गाड़ी चलाते चलाते भी ये बात करते रहते हैं, उनका ध्यान उस मोबाइल में रहता है, जिस कारण एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसके कारण ये अवेयरनेस के कारण प्रोग्राम रखा गया। आज जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी ओम शांति की जो संस्था है, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, साथ ही में हमारे युवाओं को, नागरिकों को जिस तरीके से सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी देने के लिए एक अवेयरनेस बाइक रैली का आयोजन आज संस्था के माध्यम से किया गया है। और हमेशा से ही जो हमारी ब्रह्म कुमारी संस्था है, वो चाहे वो आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की बात हो, हमारे समाज के अंदर परिवर्तन लाने की बात हो, लोगों को ज्ञान और शिक्षा देने की बात हो, अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। और आज इस संस्था के माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे यहाँ के शहर की या यहाँ के रहवासियों को बहुत लाभ होगा। और इस कार्यक्रम में सभी जाने मानी हस्तियाँ आज इस कार्यक्रम के अंदर विशेष रूप से सहयोग देने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, और मैं संस्था को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोदी जी ने जो आह्वान किया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम 75th इंडिपेंडेंस डे पे अमृत महोत्सव के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, और RERF की विंग जो ब्रह्मा कुमारीज की है, उन्होंने आज ट्रैफिक रूल्स को लेकर के जो बाइक रैली का यहाँ पर आयोजन किया है, और संदेश दिया जाएगा लोगों को कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि एक्सीडेंट से अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 25% ऑफ द डेथ्स टेक प्लेस इन द टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स। तो ये कंट्रोल करने में और हमारे यूथ को स्पेशली मैसेज देने में ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। अवेयरनेस है कि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और यूथ है बहुत गलत गाड़ियाँ चलाते हैं, उसके लिए अवेयरनेस के लिए रैली निकाली जा रही है, और इस मीरा भाईंदर में खास अभी आज सारा दिन रैली चलेगी, और इसका उद्देश्य है कि जन जन में जागृति हो और एक्सीडेंट भी कम हो, और जो व्यसन बहुत करते हैं उसके आदि होकर बहुत एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, इसलिए व्यसन मुक्ति के भी आधार से भी ये रैली का आयोजन किया गया है। पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ ब्रह्म कुमारी एसोसिएशन का कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और क्या कहते हैं इतनी बाइक रैली के लिए अपना कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि रूल्स क्या होते हैं, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जितना हमारी यूथ है एंड जितने लोग हैं वो जितना जानेंगे उतना उनकी सेफ्टी के लिए है, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह कम होंगे। तो जितना पॉसिबल हो सके तो ये प्रोग्राम के लिए आप हेल्प करें, सपोर्ट करें इस चीज़ को, एंड ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जो खुद को है बचाना तो दोस्तों सीट बेल्ट जरूर लगाना, नहीं करेगा फॉलो जो ट्रैफिक के रूल, मिलने आऊंगा मैं लेकर देख वेल सून टू फूल। दोस्तों आपने मेरा संदेश तो सुना, लेकिन चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, सड़क सुरक्षा में कभी गलती न करना, जो पड़े हो वक्त अपनों को अलविदा करना। फिर मिलेंगे हंसते हंसते।